गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि सेकंड पेपर में हम आपको पढ़ा रहे थे व्हाट हैपेंड, क्या होता है जब भी कुछ समीकरण दिए बीते घर में, घर के लिए कुछ समीकरण दिए, उसमें एक समीकरण आया है, पहले वो लिखे, कुछ बच्चों को नहीं आया है। माइक्रोनी कॉफ का नियम, माइक्रोनी कॉफ का नियम लिखिए। इस नियम के अनुसार लिखिए, असममित एल्कीनों के हाइड्रोजन हैलाइडों के योगफल को माइक्रोनी कॉफ का नियम कहते हैं। बहुत सरल है। असंतृप्त एल्कीनों यानी डबल बॉन्डों, पता नहीं कितने असंतृप्त लगे, जैसे एग्जाम्पल पहचान CH3CH डबल बॉन्ड CH। सूत्र दो प्रोपीन का है कि नहीं है, देखो यार CH3CH डबल बॉन्ड CH प्रोपीन है, एम लगा दिया है प्रोपीन, और भी हो सकते हैं असंतृप्त, ब्यूटीन हो सकता है, कैंटीन हो सकता है, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब HBr HCl कुछ भी ले सकते, इनसे योगात्मक जो बनाता है जोड़कर बना दिया CH3 CH2 CH Br CH2 Br, CH2 3 CH2 3, 3 4 2 6 7, 3 2 5 2 7, नाम क्या हो गया, ब्रोमो प्रोटीन, इसी को माइक्रोनिक का नियम कहते हैं। यानी असंतृप्त एल्कीनों के हाइड्रोजन हैलाइडों के योगफल से जो प्राप्त होता है उसे हम लोग माइक्रोनिक का नियम कहते हैं। इस नियम को बहुत अच्छे से याद कर लेना, पेपर अब पूछ देता है। असंतृप्त एल्कीनों के हाइड्रोजन हैलाइडों के योगफल को माइक्रोनिक का नियम कहते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए, रिएक्शन आपने डाली एडिंग, क्या होता है जब, ठीक है, प्रमुख रिएक्शन देखिए, क्या हो गई थी रिएक्शन बता सकते बेटा, 5 15 उसी के आगे 16 नंबर डालिए आप लोग। जब तक क्या होता जब कि रिएक्शन अच्छे से आ जाएंगे फिर आपको अपने आप कन्वर्जन और रिएक्शन तैयार होगा। 16 नंबर लिखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट, 2019 में ही बेटा पूछा गया है। सोडियम थायोसल्फेट को आयोडीन के साथ अभिक्रिया करते हैं। क्वेश्चन है, सोडियम थायोसल्फेट को आयोडीन के साथ अभिक्रिया करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट को आयोडीन के साथ क्रिया करते हैं, आयोडीन के साथ क्रिया करते हैं। सुनो, सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र बताओ, Na2S2O3। याद रखना, सोडियम थायोसल्फेट लिखने बहुत हो, सोडियम थायोसल्फेट
प्लस आयोडीन आई टू सोडियम आयो सल्फेट आयोडीन से क्रिया करके N2SO6 सोडियम टेट्राथायोसल्फेट बनाता है। टेट्राथायोसल्फेट सुनो Na2 S4 यहाँ दो लगा दो Na4 हो गए Na2 है अगला नंबर लिखिए बेटा। ये भी 2019 में बहुत सरल पूछा गया, ये तो कई बार पढ़ाया भी। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है OH, क्लोरीन का सूत्र Cl2। सोडियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 क्लोरीन के साथ प्रवाहित करते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस NaOCl Na2। अब तो दो लगे हैं बच्चों, Na2 O2 O1 Cl2 Cl2 H2 O1 O बचा, क्या होता है H2O। इसका नाम पता है, इसका नाम पता ही होगा, सोडियम क्लोराइड नमक जल। इसका नाम बताओ बेटा, सोडियम हाइपो क्लोराइड। हाइपो न कहके ऑक्सी क्लोराइड भी कह सकते हो या ऑक्सीजन क्लोराइड। ऐसा होता है तो कार्बन बीच में वो ना फंसा, बीच में फंसा केवल है नहीं होता तो सोडियम मोनोऑक्साइड। 18वां, पीले फास्फोरस को कास्टिक सोडा विलयन के साथ बहुत पूछा जाता है। पीले फास्फोरस को कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है। पीले फास्फोरस को कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है। कई बार कराया मैं कर नहीं पाऊं, बताओ कौन सा किया। पीले फास्फोरस को कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है। एक चीज किसने बोली नहीं उसके बगैर होगी नहीं, बोलेगा भी नहीं पेपर में। पीला फास्फोरस P4 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH याद रखना, जल अपनी तरफ से लेना है, कभी नहीं होगी। बताओ कौन सी क्रिया है, आस्किन गैस की प्रयोगशाला विधि। याद आया कुछ, सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फाइड। पी आपके चार हैं, तीन लगा दिए, पी तीन और एक चार, Na3 O3 तीन उन्नीस छह O3 छह H6 3 9 H3 3 6 3 9 19 नंबर नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 18वां कम से कम सबसे ज्यादा पेपर पूछा गया है, बस वो इतना कहेगा पीले फास्फोरस को सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं। आपको ध्यान देना है क्या ले रहा है अपनी तरफ से, वाटर। अगर वाटर नहीं लोगे तो क्रिया संपन्न नहीं होगी, ठीक है। ये नोट कर लो नाम, आस्किन सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फाइड। इसका नाम है सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फाइड, फॉस्फाइड 19 नंबर।
19 नंबर लिखिए। सिल्वर नाइट्रेट के बिलियन में, सिल्वर नाइट्रेट के बिलियन में फास्फीन गैस प्रवाहित की जाती है। सिल्वर नाइट्रेट के बिलियन में फास्फीन गैस प्रवाहित की जाती है। फास्फीन गैस प्रवाहित की जाती है। सिल्वर नाइट्रेट के बिलियन में फास्फीन गैस प्रवाहित की जाती है। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र बोलो, AgNO3। फास्फीन का pH 3। ध्यान रखना इसमें मीटर वाटर लेना, नहीं तो गलत हो जाएगी। ठीक है, बनेगा क्या? सिल्वर AgAl H3PO4 R2 फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इसका नाम R2 फास्फोरिक अम्ल। सुनो, AgA H3 AP O4 O3 4 O4 3 7 N8 N8 पूरे में इनका यूज है, इसलिए ध्यान से आप नोट कर लें।
इम्पोर्टेंट है। कल नेक्स्ट क्लास में आपको 10 बताएंगे एक साथ, तो 8 पैटर्न उसी के आगे 10 बताएंगे। ठीक है, नोट कर लो, जो दिक्कत हो पूछ सकते।